पूछा गया सागरमाला प्रोग्राम को लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आपकी गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गलत को बताना है आपको। सागरमाला प्रोग्राम वॉज अप्रूव बाई यूनियन कैबिनेट इन 2015 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव किया गया था। हो सकता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेल रोड लिंकेजेस विद द पोर्ट टर्मिनल्स। ये क्या करता है, इसके अंदर आपको रेल रोड लिंकेजेस बनाने का भी प्रावधान जो है वो रखा गया है पोर्ट टर्मिनल्स के साथ। सोचिए, फिर मैं आपको एक इन्फोग्राफिक दिखाऊंगा जो कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया है, वो आपको मेंस के आंसर को लिखने में काफी हेल्प करने वाला है। सोचिए, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कोस्ट लाइन, जैसे मैं आपको ये अपनी कोस्ट लाइन एक बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको ऊपर गुजरात हो जाएगा, फिर नीचे महाराष्ट्र गोवा है, देन आपका केरला है, तमिलनाडु, एंड देन ऊपर उड़ीसा है, और नीचे आपका आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। ये पूरी हमारी जो कोस्टल रीजन है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर। ये हमारी पूरी लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है, इसकी जो लेंथ है वो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, इसको मॉडर्नाइज करना, इसको मैकेनाइज करना और इसको कंप्यूटराइज करना। देखिए, मेंस के अंदर आपको यही चीज लिखनी है, मॉडर्नाइज करना, मैकेनाइज करना, कंप्यूटराइज करना। इन सब चीजों के लिए सागरमाला प्रोग्राम जो था, इसको 2015 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया था, ताकि होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है हमारे कोस्टल रीजन का हो सके। और ये तीन टर्म्स जो है वो आप जरूर यूज करेंगे, पहली से आपकी करेक्ट हो जाती है। साथ में ही पोर्ट्स के साथ साथ आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये आपका एक पोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपका पारादीप पोर्ट है, इसके साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि एक्सपोर्ट के लिए जो आपके शिप्स जाने वाले हैं, या इंपोर्ट करके जो सामान आपका जो सी के रास्ते से इंडिया के अंदर आता है, उनको फर्दर जो आपके लैंडलॉक स्टेट्स है वहां तक पहुंचाने में दिक्कत आ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड विद मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके के आपको जो डायग्राम्स होते हैं, जो माइंड मैप्स होते हैं, वो एग्जाम के अंदर बनाने होते हैं, तो आप इस तरीके से एक सेंटर के अंदर हेडिंग लिख सकते हैं और फिर बता सकते हैं इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कमी आएगी, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर मूवमेंट है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, साथ में ही एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं काफी ध्यान रखिए, आपको मेंस के आंसर्स के अंदर इनको जरूर इंक्लूड करना है।